सर हम लाइफ में सब कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मगर सर हमें फियर होता है सर कुछ ना कुछ, तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपकी तरह सर फियरलेस कैसे हो सकते हैं सर? कितने लोग चाहते हैं? आई आंसर दे, और तेरी इतनी मेजोरिटी, आपको तो भाई पॉलिटिक्स में होना चाहिए। सर मैं जानना चाहता हूँ सर आपकी तरह सर एब्सोल्युटली फियरलेस कैसे हो सकते हैं? मेरी तरह? यस सर, मेरी तरह तो एक ही है भैया इस दुनिया में। पहले ध्यान से समझना है डर किस चीज़ का होता है। जैसे आप क्या करना चाहते हैं थोड़ा शेयर करेंगे, इफ़ यू आर ओके विद इट, जो करने के नाम से आपको डर लग रहा है। सर एक तो सर जैसे स्टेज पर बोलने पर बहुत डर लगता है। वो तो डर अभी मैं निकाल दूंगा, दो मिनट में यहाँ पे आ जाओ, अभी निकल जाएगा डर। आओ आओ ना भाई। थैंक यू सर। अब बताओ क्या डर है इसके अंदर, इन खचरों से क्यों डर रहे हो? आपने मेरे सेशंस देखे हैं? यस सर, सारे देखे सर, मैं सारे देखे हैं। तो उन सबको जो भी आपने इतने सारे सेशंस देखे हैं उसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो दो मिनट के अंदर अंदर, तो आप करो। आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगी मेरे सेशंस? सर सबसे अच्छी बात आपकी ये लगी है सर, आपने एक बार बोला था कि जो भी काम करो एटीट्यूड के साथ करो। आपने बोला था कि मेरा ये है, आप तुझे चाहिए तो ले, नहीं तो आगे जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर ये चीज में बहुत अच्छी, इन सबको बोलो कि देखो मैं तुमको ये बात बता रहा हूँ, चाहिए तो लो नहीं तो इसकी डेप्थ को समझो। ये जो मैं वर्ड यूज करता हूँ ना, साथ वाले गए तेल लेने, इसको समझने की कोशिश करो, मतलब किस वे में बोल रहा हूँ, कि इसका मतलब वो कुछ भी बोल रहे हैं कुछ भी सोच रहे हैं उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें जो करना है वो हमें करना है। यानी हमने किसको छोड़ा? काम को नहीं छोड़ा, बोलने को नहीं छोड़ा, रिजल्ट को छोड़ दिया, कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दिया। जो कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह नहीं करता है उसके अंदर डर नहीं होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझदारी से आगे बढ़ना होता है। यू आर ओके, कुछ और बोलना है? नहीं सर। कोई डांस वांस? नहीं सर। गाना वाना? नहीं सर। बंगला शंगड़ा? नहीं सर। हो गया, चलो ओके, प्लीज हैव अ सीट। इसको मैं थोड़ा सा और बिल्ड करूंगा इस पर्टिकुलर पॉइंट को, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैंने क्या कहा, कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो। तो किन कॉन्सिक्वेंसेस को हम छोड़ें? दो तरह के, एक है फिजिकल, एक है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेस को छोड़ दो, फिजिकल के लिए प्लान कर लो। मतलब कि कोई काम आप करने वाले हो, आपको डर लग रहा है, पहले आपको देखना है किस वजह से डर लग रहा है। दैट फियर इज साइकोलॉजिकल और दैट इज फिजिकल। जैसे मैं एक पहाड़ के ऊपर खड़ा हुआ हूं, मुझे डर लग रहा है यहां से नीचे छलांग लगाने में, तो वो लगना भी चाहिए। दैट इज नॉट साइकोलॉजिकल, दैट इज वॉट फिजिकल। आ रही है ना बात पकड़ में? ये बड़ा सटल सा पॉइंट है, अगर आप इसको कैप्चर करोगे तो बड़ा मजा आएगा। फिजिकल फियर्स के लिए क्या करना है? प्लान करना है, वहां पर प्लानिंग काम आती है। साइकोलॉजिकल फियर्स में कोई प्लानिंग काम नहीं आती है, वहां पर सिर्फ समझ काम आती है। जैसे अभी जो इनका फियर था पब्लिक स्पीकिंग का, वो क्या है? वो फिजिकल फियर है या साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल है, क्योंकि फिजिकली यहां पर आकर के कुछ भी करके चले जाए, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब देखेंगे दो चार मिनट में सब भूल भाल जाएंगे। तो आप कोई काम करने वाले हो और आप कह रहे हो कि मेरे को वो काम करने से डर लग रहा है, क्यों डर लग रहा है इसको फिगर आउट करना है। क्या इसलिए डर लग रहा है कि मैं वो काम करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे घर वाले क्या कहेंगे, किसी को बुरा ना लग जाए, ये सब क्या है? साइकोलॉजिकल है। या डर इसलिए लग रहा है कि मैंने 5 साल तक काम करके कुछ पैसा जोड़ा है, मान लो 5 लाख रुपए जोड़ा है और बड़ी मेहनत करके सुबह से रात तक, तो मुझे डर लग रहा है कि मैं ये काम करूं और वो पैसा चला ना जाए। ये क्या है, साइकोलॉजिकल है फिजिकल है? फिजिकल है। ये डर होना भी चाहिए, जिनमें ये डर नहीं होता वो सड़क पे आ जाते हैं, बर्बाद होने में 2 मिनट लगते हैं। तो बस ये 2 ही तरह के फियर्स होते हैं, फिजिकल है साइकोलॉजिकल है। फिजिकल में क्या काम आता है? प्लानिंग, लर्निंग, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट थिंग दैट यू आर डूइंग। जैसे अगर पहाड़ से आपको छलांग लगानी ही लगानी है तो बंजी जंपिंग करो ना, उसमें कोई रिस्क नहीं है। पैराशूट लगा के करें सर? पैराशूट तो इतनी जल्दी नहीं खुलेगा, ट्राई मत करना भाई साहब, उसी पैराशूट में आपको ले करके जाएंगे। तो ये बात पकड़ में आई कि फिजिकल के लिए वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इन साइकोलॉजिकल फियर्स नथिंग नीड्स टू बी डन, इट जस्ट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। उसको समझ लेना है और समझ करके एक्ट करना है, और जब आप एक्ट करोगे आप देखोगे अरे इसमें तो डरने वाली कोई बात ही नहीं थी। उसके बाद नहीं लग सकता, कोई भी चीज जब तक आपने नहीं सीखी होती है
तब तक डर लग रहा होता है या जब सीख जाते हो उसके बाद भी डर लगता है? और सीखने के बाद अगर आपको डर लग रहा है तो वो साइकोलॉजिकल नहीं है, वो फिजिकल है। यानी आपको तैरना आ गया है, जब तक तैरना नहीं आता है पानी से बड़ा डर लगता है। जब तैरना आ जाता है तो क्या स्विमिंग पूल में आपको तैरने से डर लगता है? लगाओ थोड़ा सा दिमाग। बट अगर समुद्र में तैर रहे हो वहां पे डर लगता है? क्या लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? या 2 किलोमीटर अंदर चले गए फिर कह रहे हैं भैया आई एम फियरलेस, समझ पा रहे हो? तो सीखने के बाद भी अगर आपको डर लग रहा है, देयर इज अ स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दैट इज अ फिजिकल फियर, नॉट अ साइकोलॉजिकल फियर, और वो होना भी चाहिए। इन दोनों के बीच का फर्क अगर हमको समझ आता चला जाता है तो हमको बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि किस तरह से अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। साइकोलॉजिकल फियर्स धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी समझ गहरी हो जाती है जीरो हो जाते हैं। मर गया तो क्या होगा, ये क्या है, ये फिजिकल है या साइकोलॉजिकल है? आराम से सोच के बोलना, मेरे साथ में जो लोग हैं वो मर गए तो क्या होगा, ये फिजिकल है साइकोलॉजिकल है? साइकोलॉजिकल है। लेकिन अगर आप अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में और आप चले चले जा रहे हो किसी सुनसान सड़क पर और आपके सामने से कोई 2 बंदे आ रहे हैं गन लेकर के या नाइफ लेकर के, अब आपको डर लग रहा है, ये क्या है? फिजिकल है, ये होना भी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनना है बेकार में जी, समझदारी से आगे बढ़ना है लाइफ में। अगर इस तरह से आप अलग अलग करके देखोगे तो ऐसा कोई डर नहीं है इस दुनिया में जिसको कॉन्कर ना किया जा सके।